Welcome back to my channel. My name is Fiona. How are you? Hope आप सब लोग fine हो. और guess the location मैं कहाँ पर खड़ी हूँ? Right answer. मैं खड़ी हूँ भारतीय ब्रिज पर. और ये रत्नागिरी का सबसे बड़ा ब्रिज है. और ये 50 years पुराना ब्रिज है. और guys ये दो रत्नागिरी के parts को connect करता है. एक है North रत्नागिरी और एक है South रत्नागिरी. और ये देखिए यहाँ पर से हम लोग देखते हैं वहाँ पर तो हमको रत्नागिरी का बड़ा कोट दिखता है. और ये देखिए यहाँ पर है थीबा पॉइंट जिस पर हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी. अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. और वो देखिए वहाँ पर है थीबा पैलेस जिसके वजह से थीबा पॉइंट को नाम रखा गया था. और नीचे हम लोग देखेंगे तो हमको राजूड़ा गांव मिलता है दिखता है. और साइड में हमको करला गांव और इसके साइड में हमको दिखता है भाटिये गांव जिसके वजह से इस ब्रिज को नाम दिया गया था भाटिये ब्रिज. और हम लोग यहाँ पर राइट साइड में देखते हैं तो हमको अरेबियन सी दिखती है जो कि हम लोग ज्योग्राफी में भी सीखते हैं अरेबियन सी के बारे में. और ये देखिए यहाँ पर है लाइट हाउस और उसके नीचे हम लोग देखेंगे तो मांडवी बीच है. और हम लोग उस पर भी आपको एक वीडियो लाके दिखाएंगे. तो अभी हम लोग जा रहे हैं भारतीय बीच को तो चलिए जाते हैं. हमने हमारी गाड़ी वहाँ पर पार्क की है भाटिये बीच पे. और पार्किंग है जहाँ पर. और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट और लोकल बहुत सारे गाड़ियाँ लगा के गए हैं अपने. और बहुत अच्छा सा सिस्टमेटिक भी खेल है. और गाइस ये देखिए कितने क्यूट और प्यारे से सुरू नाम के ये ट्रीज हैं. और इसलिए इस भाटिये बीच का दूसरा जो नाम है वो है सुरुबन. तो अभी मेरी मम्मा वहाँ पर बैठी है तो अभी मैं वहाँ पर जाती हूँ. वाओ गाइस कितना अमेजिंग बीच है. माइंड ब्लोइंग बीच है ये. और ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे खेलने के लिए बच्चों के लिए चीजें भी बनाए गए हैं जैसे कि ये जंपिंग जैक ट्रैम्पोलिन मतलब. और वहाँ पर भी है गोल घूमने वाली पता नहीं क्या बोलते हैं. और ट्रेन भी है मिनी सी. फिर से वहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन है. और ये देखिए यहाँ पर एक वॉच टावर भी है बहुत पुराना हो चुका है. पहले यहाँ पर रहते थे गार्ड्स. और फिर वहाँ पर जो सी है वहाँ पर बहुत लोग वहाँ पर स्विमिंग करने जाते थे. अगर कोई डूब जाता है या फिर कुछ होता है तो वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ से गार्ड्स आते हैं. और यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स भी है खाने को. वो देखिए पानी पूरी वाला कोकोनट वाटर वाला और भी बहुत सारे स्टॉल्स. और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स वाला भी है. सबसे बड़ा और क्लीनेस्ट बीच है आप लोग देख सकते हैं. यहाँ पर बिल्कुल भी कचरा नहीं है. और कचरा होगा भी तो वहाँ पर एक डस्टबिन है वहाँ पर ही है कचरा. बाकी पूरा ये बीच क्लीन है. और ये देखिए यहाँ पर टूरिस्ट लोग स्विम करने और खेलने भी आते हैं और लोकल भी आते हैं खेलने और स्विम करने और अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने. और ये जो बीच है वो 2 किलोमीटर बड़ा है. और ये स्टार्टिंग पॉइंट है. हम लोग पूरा लास्ट तक जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं पूरा व्यू. तो देखते हैं.
फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय बीच के दूसरे एंड पॉइंट पे आए हैं और ये देखिए यहाँ पर एंट्रेंस बहुत अच्छी के लिए इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, रेड कलर का। और इसका नाम, इस मंदिर का नाम है जरी विनायक मंदिर और ये बहुत फेमस मंदिर है। और ये देखिए, और यहाँ पर हमारे हिंदू रिलीजन के ब्रदर्स और सिस्टर प्रे करने के लिए आते हैं गणेश लॉर्ड को। और अभी हम लोग अंदर जाते हैं और आपको गाइस पता है इस मंदिर के नीचे एक फिश पाउंड भी है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े मच्छियां भी है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये पार्किंग एरिया बताती हूँ। ये देखिए, जैसा हम लोग स्टार्टिंग में जब भी आए थे वहाँ पर एक हमको पार्किंग एरिया दिखाया गया था अच्छे से सिस्टम, वैसा ही यहाँ पर भी है पार्किंग का अच्छा सा सिस्टम। और ये देखिए, बहुत अच्छे से यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क की गई है। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमको यहाँ पर है ना एक प्लेइंग एरिया मिलता है। ये देखिए, प्लेइंग अम्यूजमेंट पार्क। और ये देखिए, यहाँ पर सीसो है, स्लाइड है और भी बहुत कुछ है यहाँ पर। मेरी मम्मा भी अभी झूले पे बैठी है बड़े वाले। और अभी मैं आपको फिश ऐसे दिखाती हूँ मंदिर के इधर के। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हमारे शूज निकालेंगे क्योंकि आपको तो पता ही होगा हमको गॉड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर भी नोटिस बोर्ड पे लिख के लाए कि अपने शूज और सैंडल्स ऐसे निकाल के अंदर जाओ। तो अभी मैं निकालती हूँ और अंदर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा माउस है। और हिंदू लोगों के हिसाब से अगर इस माउस के कान में कुछ बोलते हैं तो ये भगवान जी को बताता है, और कोई भी विश मांगते तो ये पूरी मतलब उनको जाके बोलता है। और ये देखिए, इसके सामने हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक फिश पॉन्ड भी दिखता है जिसके अंदर टॉर्टोइस ऐसे और शार्क ऐसे बहुत बड़े बड़े फिशेज हैं। और गाइस, आपको तो पता ही होगा अगर हमारे घर में फिश टैंक के फिशेज बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास रखने की जगह नहीं होती है, तो यहाँ पर लाके डालते हैं। और गाइस, आप लोग वहाँ पर एक काऊ का बुल का फेसेस फेस देखिए, वो एक्चुअली नेचुरल पानी आता है पहाड़ी पे से और ये पी सकते हैं। सी तो इसके बहुत करीब है लेकिन ये नेचुरल पानी है, माउंटेन पे से होके आता है। अभी हम लोग मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर भी कुछ नोटिस लिखे लिए हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो गणेश जी है उनका स्टैचू जैसा पत्थर पे पेंटिंग की हुई है। FAYONA Eventually फोन दिखाओ जरा, ये देखिए सब्सक्राइब by sheer coincidence। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे को इतने सारे सब्सक्राइबर्स मिल गए, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर कुछ गरीब बच्चे यहाँ पर भेज रहे हैं, तो मैं इनसे इनका नाम पूछती हूँ। आपका नाम क्या है? श्रावणी। क्या? श्रावणी। श्रावणी नाम है, यहाँ पर जाके अभी मैं पूछती हूँ। नाम क्या है? सुरेश। सुरेश नाम है, और आपका? वेंकटेश। वेंकटेश। तो ये देखिए यहाँ पर इनके पास बहुत सारे टॉयज है। आप लोग स्कूल जाते हैं? ये लोग स्कूल जाते हैं, अभी छुट्टियां चल रहे हैं।
तो ये देखिए, ये छुट्टियों में भेजने आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे टॉयज हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर एक व्यायाम करने का जिम के तरह एक सिस्टम बनाया है और इसके साइड में हमको ये फूड स्टॉल मिलता है और इसके नीचे प्यारे से डॉगी भी सो रहे हैं। यहाँ पर बहुत कुछ खाने को स्नैक्स मिलता है और इसके साइड में हमको भेल पूरी, भेल पानी पूरी ऐसा मिलता है। और यहाँ पर कुछ है गाड़ियाँ और ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन है और यहाँ पर भी बहुत जन अपनी पिकनिक बना रहे हैं। और अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमको ये बलून वाला ट्रैम्पोलिन मिलता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, वहाँ पर है मंदिर, वहाँ पर मंदिर है और वहाँ पर हमने स्टार्ट किया था शूट करना और यहाँ पर अभी हम लोग आए हैं। और वहाँ देखिए, हम लोग देखेंगे तो मंदिर के ऊपर वाले साइड में हमको वहाँ पर एक शिप दिखती है, टाइटैनिक पॉइंट बोलते हैं उसको, और हम लोग वहाँ पर भी अभी जाने वाले हैं। और अभी हम लोग ये साइड में आए हैं और ये एंड है और यहाँ पर माउंटेन्स भी है, देखो कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं सी को फेस करते हुए। और यहाँ पर है हमारी अरेबियन सी, कितनी प्यारी दिख रही है। और अभी हम लोग पानी में भी जाने वाले हैं, तो मेरे को अपने छोटी बहन और बड़े भाई की भी बहुत याद आ रही है क्योंकि वो लोग गए अपने फुप्पी के इधर रहने, मतलब मेरी भी फुप्पी है तो वहाँ पर रहने गए। और सबसे ज्यादा मिस तो मैं अपनी छोटी बहन को कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। और अभी मैं जाती हूँ पानी की तरफ, लेट्स गो। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पर चलते चलते आए और वहां पर देखो ऊपर है टेबल पॉइंट, वहां पर भी हमको जाने के लिए टाइटैनिक पॉइंट से होकर जाना पड़ता है और थोड़ा सा दूर है बस वो। और ये देखिए, यहाँ पर ये स्टोन के ऊपर बैठ के बहुत लोग अपने सेल्फीज ऐसे निकालते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इस जगह पे ना क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन आज दिख रहे नहीं है, पता नहीं क्यों आज दिख रहे नहीं है। तो वो देखिए, मेरी मम्मा वहां पर गई है चलते चलते, तो मैं भी चलती हूँ। अभी रश हो चुकी है, बहुत लोग वेव्स को एंजॉय कर रहे हैं और कुछ कुछ लोग तो यहाँ पर सैंड कैसल भी बना रहे हैं, ये देखो। और पीछे भी एक सैंड कैसल है, ये देखिए यहाँ पर खेल रहे हैं। तो आपकी मम्मा आपके साथ खेल रही है? नहीं खेल रही फोटो। तो ये देखिए, यहाँ पर स्नैक्स ऐसा भी चल रहा है। तो अभी यहाँ पर एक अच्छा सा सनसेट भी हो रहा है और बहुत लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। हम लोग नीचे
से ऊपर जाने वाले थे टाइटैनिक पॉइंट पे, लेकिन टाइटैनिक पॉइंट बंद था कुछ रीजंस के वजह से, इसलिए हम लोग आए उसके पास वाले टेबल पॉइंट पे। और ये देखिए यहाँ पर सनसेट भी हो रहा है, और इसलिए इस टेबल पॉइंट को भी सनसेट पॉइंट बोलते हैं। और ओशन भी देखो कितना बड़ा दिख रहा है, और बोट्स आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन होते तो वो बहुत बड़े हैं। और वो अभी अपने स्पॉट पे जा रहे हैं जहाँ पर रुकना होता है फिशेस पकड़ के घर पे जाने के लिए। और आप लोग देख सकते हैं इतने सारे लोग कितने कीड़े मकड़े की तरह दिख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो सुरु नाम के जो ट्रीज है वो प्लांट्स लग रहे हैं। और अभी हम लोग सनसेट का व्यू लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कपल्स और कुछ फैमिलीज भी आए हैं, वहाँ पर भी एक कपल है और यहाँ पर भी कुछ कपल्स और फैमिली है। तो अभी हम लोग व्यू का एंजॉय करते हैं, और अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, और मेरी वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। Thank you.